नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद हसन, मैं मौजूद हूँ प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में। यहाँ पर वर्तमान में 14 से 15 लिफ्ट है, लेकिन केवल और केवल दो ही लिफ्ट यहाँ पर संचालित है, बाकी की लिफ्टें खराब हैं। उन्हीं खराब लिफ्टों में आज एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी क्यों, नर कंकाल ही उसको कहा जा सकता है। पूरी तरीके से उस बॉडी में कुछ भी नहीं था, वो बॉडी पूरी तरीके से खराब है, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी उसको देख पा रहे होंगे। बॉडी की हालत देखकर खुद ही सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉडी कितनी पुरानी है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल के लिफ्ट का ये हाल अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर लिफ्ट का रखरखाव किस तरीके से है, साथ ही आज महीनों पुरानी बॉडी मिलने से ये भी बताया जा सकता है कि यहाँ पर एक भारी भरकम सुरक्षा स्टाफ मौजूद है, उसकी सुरक्षा किस तरीके से है। बॉडी पूरी तरीके से खराब हो गई, गल गई, किसी को बदबू भी नहीं हुई आई। आज एकाएक जब लिफ्ट में पानी भर गया, तब वहां पर पता चला कि एक बॉडी पड़ी हुई है, जिसको कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा। साथ ही मैं आपको बात कराऊंगा, यहां डॉक्टरों से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने हमको क्या कुछ बताया। आज 11:15 बजे के आसपास हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको सफाई कर्मियों के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने हमारे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को सूचित किया कि एक शव दिख रहा है, जो एक खाली जो बंद पड़ी लिफ्ट थी उसकी डक्ट में नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने जाके मौके का मायना निरीक्षण किया, पाया कि वहाँ एक शव पड़ा हुआ है अंधा, और देखने से ही ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी पुराना है। तो इस बारे में तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस के द्वारा आके उसका स्थल परीक्षण करने के बाद निर्देश दिए गए, तो शव को शवगृह में रखवा दिया गया है। अब मामला पुलिस की विवेचना में है कि वह शव कैसे आया, कब आया, कहाँ का है, कैसा है, और प्रथम दृष्टया यह शव काफ़ी पुराना है ये समझ में आ रहा है। लिफ्ट कितनी अस्पताल में चालू है, कितनी लिफ्टें हैं? नहीं, हमारे यहाँ लिफ्टें तो वैसे जब संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय की स्थापना हुई थी तब 14 लिफ्ट की इसमें संस्थापना हुई थी, लेकिन उन 14 में से बहुत सारी उसी समय से ही चालू नहीं है। वर्तमान में तो 2 लिफ्ट ही कार्यरत हैं, तीसरा अभी एक मरम्मत में चल रही है जो चालू हो जाएगी मेरे ख्याल में बहुत जल्दी ही इसी हफ्ते। तो वही 3 या 4 लिफ्ट हमेशा हमने देखा है कि काम करती हैं, 3 या 4 जो सामने की लिफ्ट है। ये जो अंदर की, ये वार्ड के अंदर की बात है, वार्ड के अंदर की पड़ी लिफ्ट को तो मैंने नहीं सुना कि वो चालू रही कभी। अभी सूचना आई थी, डॉक्टर अतुल ने बताया था कि वहाँ पर जो है एक बॉडी मिली हुई है, काफ़ी दिन पुरानी है। पुलिस को भेज के तत्काल उसका जो है पंचनामा कार्रवाई के लिए उसको जो है सेव करके मर्चुरी में अभी रखवाया गया है, क्योंकि अज्ञात है तो एक दिन हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जो भी जानकारियां निकल के सामने आएंगी उस हिसाब से तफ्तीश की जाएगी, फिर जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। अभी अज्ञात बना हुआ है। कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, सिर्फ ये पता चला है कि लिफ्ट बंद थी और लोगों का वहाँ जाना वाना कम होता था, इसलिए काफ़ी दिन उसको अभी तक जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। आज जो है CMO संजय गांधी हैं डॉक्टर अतुल सिंह, उनके द्वारा बताया गया था, तो मैंने फोर्स भेज के दिखवाया और उसको उठवा के मर्चरी में सेव करवा दिया गया है।